अनुष्य हमारे पास एक ऑडियंस मौजूद है यहाँ जी, एक ऑडियंस, एक ऑडियंस तो एक है ना, एक ऑडियंस, ऑडियंस एक, ऑडियंस एक, सही कह रहे हैं, ऑडियंस मेंबर्स काफी हैं बट ऑडियंस एक है, हमारे पास ऑडियंस मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ओह डियर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ लोगों को इनवाइट करें आपसे सवाल पूछने के लिए। कुछ लोगों को इनवाइट करूं? हाँ, कुछ कोई कुछ पूछना चाहेगा तो मैं इनवाइट करूंगी। आप लोग अनुष्य से कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देयर आर टू पीपल हियर, एक और एक आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, यहां बैठे आप। ओहो, मैं जैसे देखे आप इधर आ जाएं। हाँ, मैं वहां आऊंगा ना, होस्ट दे रहा हूँ मैं तो इंडस्ट्री को, है ना, देखें सारे को। मैं ऐसे आपको कहा था कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम आजम साहिर है जी, और मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहेंगी तो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? एक सेकेंड, आपको कैसे पता उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी चूज नहीं कर लिया? सर, शादी नहीं हुई। हाँ, हो सकता है लाइफ पार्टनर चूज कर लिया हो उन्होंने, शादी की, और शादी नहीं की अभी। ये अनुष्य, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा है या नहीं? आपके जो सवाल का जवाब था अब तो ये तो हो सह नहीं, आपके सवाल का जवाब देते, ऐसा है या नहीं? अनाउंसमेंट होने जा रही है आज, ऐसा है? क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा है? क्या क्या बता दें, कोई बात नहीं, आपने पहले भी बताया है, बता दें, कोई बात नहीं, अगर है कोई तो। मतलब कि नहीं बताते ना जब तक कोई चीजें सॉलिडिफाई नहीं होती, तो पब्लिकली बता के क्या करें? ठीक है, इस प्रोसेस में है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। हाँ, once things are finalized, मुझे कुछ छुपाना तो है नहीं। तालियां भाई इस बात। वैसी, thank you, वैसी सारी चीजें Instagram पे रोज लगाते रहती हूँ। हाँ, ठीक है। फिर एक पिक्चर लगाऊंगी रिंग के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है ना, डीनो ने कहा था रिवील ना करना, रिवील ना करना, सिर्फ एक बुकी के साथ, एक बुकी के साथ, माशाल्लाह, एक किताब पढ़ी हुई साथ में, एक लाल गुलाब, एक लाल गुलाब, एक लाल गुलाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये हिंट देखो जवाब पे लेके जाओ, ये तो मेरा हो गया। क्या चीज नहीं? हां, क्या चीज नहीं? यार पता है, हमेशा सोचा था ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और कुछ पसंद कुछ और ही आता है जिंदगी में, तो कोई ऐसी लिस्ट नहीं है। और ये भी कहना कि अच्छा इंसान हो बोरिंग चीजें, लेकिन अच्छा इंसान ना हो तो नहीं, नहीं मतलब कि वो कहना जो यूजुअल कि अच्छे हो और ऐसे हो वैसे हो, हमारी बनती हो, बस बनती हो, आई थिंक कम्युनिकेशन अच्छी हो, रिस्पेक्ट हो, बस कोई बड़ी बड़ी लो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। थैंक यू आजम, इतने लो स्टैंडर्ड्स, इतने भी लो ना रखे ना, इतने भी लो ना रखे, हाँ, इतना लो रखे, और थोड़ा और इतने लो होते तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ आप कर ही लेती अब तक। हाँ नहीं, हाँ, या पता कोई तो मसला है, सिंपल चीज़ें एक्चुअली मुश्किल होती हैं ढूंढने के लिए। आपको अमीर भी मिल जाता है, आपको वो पढ़े लिखे भी मिल जाते हैं, ख़ानदानी भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन कम लोगों के साथ होती है, बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हम जो चीज़ें टिक कर रहे होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें जिसमें कोई गारंटी नहीं है, गारंटी तो वैसी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज़, गारंटी तो वैसी भी नहीं है भाई। और अल्लाह मालिक है, पूछना चाहता है, अल्लाह मालिक है, आप पूछना चाहती हैं? जी सर, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आपको बाद में मौका देंगे, आए देखें कितने लोग, आप कह रही हैं हसन से तो पूछे कुछ नहीं, मेरे से उनकी शादी, उनके बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मरियम है, नाइस टू मीट यू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरा आपसे एक सवाल है जी, अगर आपको कभी मौका मिले इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेने का, तो आप किसका इंटरव्यू लेना पसंद करेंगी और क्यों? अच्छा, पहले आप उनसे ये पूछें कि उन्होंने किस किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किया है। आपको पता है सलमान खान का इंटरव्यू किया है शर्ट के बगैर, सलमान खान की शर्ट के बगैर। ये तो बड़ी वायरल आ गई सलमान। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये इज दैट नॉट अ ट्रू स्टोरी? शर्ट नहीं हो सकती तो ब्लाउज हो सकती है, ब्लाउज नहीं हो सकती तो कमीज हो सकती है, कमीज नहीं हो सकती तो टी शर्ट हो सकती है। तो जी, इज दैट ट्रू दो कि आप सलमान का इंटरव्यू करने गई और वो शर्ट उतार के आ गए आपके सामने? तो उनको पता था कि पाकिस्तान से कुछ टीम आई हुई है काफी बड़ी, तो इसलिए उन्होंने शर्ट उतारी। मुझे लग रहा था कि वो एंटरटेन करना हमें ना, क्योंकि एंटरटेन या इंप्रेस, लोग जब सलमान खान को मिलने जाते हैं तो उन्हें पूरी जिंदगी उनको ना बीच पे कमीज बगैर नाचते हुए देखा है, एंड यू लाइक वाओ 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 सलमान खान, एंड ही वाज लाइक जिमिंग एंड बॉडी शॉडी बनाई हुई। तो जब वो इधर आए तो आई थिंक हम लोग कुछ मेंशन करते हैं सलमान खान ये वो, और हमने तो सिर्फ उनको ऐसे देखा है बीच बॉडी टाइप। तो ही केम आउट एंड ही वाज लाइक मैं कौन सी शर्ट पहनूं, हमसे पूछ रहे हो शर्ट बगैर खड़े, एंड आई वाज लाइक ये होते हैं लेजेंड्स जो अपने लोगों को ना हाथ पे ढीला कर देते हैं आके। ऐसे लेजेंड्स तो हमारे हर गली में हैं। आई लव इट, आई लव्ड इट, क्योंकि उन्होंने एटीट्यूड देखना था, उनको पता था कि वो एंटरटेन हो रहे हैं, लड़के लड़कियां हमारी। अच्छा, पूरी टीम पाकिस्तान से काफी। ये कहानी यहाँ तक मुझे पता है, इसके आगे क्या हुआ अनुष्य? वो आपने इसके आगे भी मैं आपको बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही,
तो मैं ये बिल्कुल बता सकती हूँ कि हमारा आखिरी दिन था बॉम्बे में, मुंबई में, और सलमान खान का इंटरव्यू किया था हमने. और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं रात में, आप लोग, हमारे यहाँ एक छोटी सी पार्टी हो रही है सुभाष घाई के घर, ठीक है. और आई मीन माई प्रोड्यूसर्स, माई विटनेस, डायरेक्टर्स, माई विटनेस सिस्टर वॉज देयर, एंड दे लाइक सो कम बताएस हमारे साथ सुभाष घाई के घर में पार्टी. लेकिन अब हमसे बड़ा स्टार कोई है, इसे तो हमने ड्रामे नहीं किए. आई वॉज लाइक जा तो सकते हैं, लेकिन मेरी बहन ने कहा नहीं, हमें वो साड़ियाँ लेनी और कल सुबह फ्लाइट है. तो हमने तस्करा किया, फिर हमने कहा सॉरी सर, हमने ना वो कुछ साड़ीज लेनी है, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो हम ज़रूर आएंगे. हम निकल गए. वापस आके मैंने डीनो को बताया, उसने कहा कि ये वो सेलिब्रिटी हैं जिनने सलमान खान की पार्टी को खुदाफिज़ कह के साड़ी शॉपिंग चली. यार ये इस बात पे स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगा इस बात पे आपके. इसीलिए तो मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी हूँ सर, क्योंकि वरना तो मैं इंडियन फिल्म पहले करती. देखे यार, तो वो उनका क्या रिएक्शन था? वो काफ़ी सरप्राइज, आई थिंक उनकी कोई फिल्म की भी प्रमोशन चल रही थी, बहुत बड़ा स्टूडियो था. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड माय मदर सेड कि मैंने कैसे बच्चे बड़े किए, जो सलमान खान कह रहे हैं कि आज नहीं दोबारा आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन हमारा वीजा कल एक्सपायर हो रहा है और हमने वो वाली क्या चिकनकारी की साड़ियाँ देनी है और वो पाकिस्तान में बहुत महंगी. ये साड़ियों का क्या फ़ायदा हुआ फिर आपको खरीद के, किसने वो पहनी वो साड़ियाँ? और बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं. और फिल्म तो करनी नहीं थी, करनी होती तो पहुँच जाते मेरे ख्याल से. अब इंडियन फिल्म तो नहीं करनी थी. एनीवे, बैक टू योर क्वेश्चन. सवाल तो कौन से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनका अभी तक आपने इंटरव्यू नहीं किया एंड यूड लव टू इंटरव्यू? या मुझे स्पोर्ट्समैन एक दो बहुत पसंद है. मुझे टेनिस के रॉजर फेडरर हो गए, एक स्विट्जरलैंड के बहुत अच्छे एक टेनिस प्लेयर हैं. उनका काम रॉजर फेडरर का, अगर किसी को पता है आपको रॉजर फेडरर का, इसलिए मैं उनको बता रही थी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगी. और एक्टर्स का इंटरनेशनली भी आपने ये नहीं कहा मैं टॉम क्रूज का इंटरव्यू करना चाहूंगी? नहीं, यही था. मुझे मैं हॉलीवुड भी इतना नहीं देखती, मुझे सिर्फ अपने ड्रामों से ये हरगिज कोई ना समझे कि बहुत बर्गर हैं या शी इज टू गुड. इंटरनेशनल बर्गर हैं, इंटरनेशनल बर्गर भी ऐसी हूँ कि कॉन्सर्ट और स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे मूवीज़ नहीं पसंद ज़्यादा. आई डोंट वॉच हॉलीवुड सो मच आइदर. ये नेटफ्लिक्स के एक दो ड्रामे कोविड के दौरान अर्तुरुल पूरे खानदान के आगे पीछे लगा होता था. अच्छा, अर्तुरुल की बड़े मजे की कहानी है इनकी. इनको जो अर्तुरुल एक्टर प्लेइंग अर्तुरुल एंगन ने ईद पे इनको कॉल किया, उसकी कॉल ही नहीं अटेंड की. ये भी सच्चा वाक है, ये भी सुना दे. चले थैंक यू. आप मेरे आप जाए बैठे प्लीज, मुझे माफ कर दे. अच्छा, बट शाहरुख खान सीम्स रियली नाइस, like a huge star. I love the way he speaks. Anusha just throwing around names like that. Arturul, Shahrukh Khan, Salman Khan. Arturul ke saath ye hua tha ki my friend in Turkey, in Istanbul, is a very good friend of him. Acha, jab yahan Pakistan mein log aate na, to hum kehte hain logon ko ki ji ji hum Fawad Khan ko jante hain. Ji ji, humare sahi samay milwa dungi, no problem. To वैसे भी हर दुनिया में लोग होते हैं. अब आप किसी से दोस्ती कर ली, हमने इस्तांबुल में बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुराद नाम है उनका. तो वो मुराद के पड़ोसी हैं, दुनिया इतनी छोटी है. पाकिस्तान में लोग पागल हो गए, अर्तुरुल को तो देखने के लिए लोग पागल हो गए, और आपको नहीं पता होता सबसे बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के. तो उन्होंने कहा अच्छा सर यार, एक दफ़ा मुलाकात तो करवा देना या बात तो करवा देना. तो उन्होंने एक्चुअली मुझे फेस टाइम किया ईद के दिन. और ये क्या कर रही थी? योगा, मेडिटेशन. मैं योगा और मेडिटेशन की क्लास में थी, तो मुझसे कॉल मिस हो गई. तो मैंने जब कॉल वापस अपने फ़ोन को खोला और देखा है, तो एक मिस कॉल था मेरे दोस्त से, और फिर उन्होंने एक वीडियो भेजी हुई थी, क्योंकि वो निकल रहे थे अपने अपने घर जा रहे थे ईद पे मुलाकात करके. तो उन्होंने हे अनुशे अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको कॉल की सलाम दुआ करने के लिए और मिस हो गई. उस वक्त मैंने जो अपने आप को अच्छा शाहरुख खान वाला क्या बात है? शाहरुख खान वाला कोई वाक्य नहीं है. वो उन्होंने बस पूछा था कि किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे. तो अगर मुझे साउथ एशिया में देखा जाए तो पिछले 5-6 साल में I really admire him for a good representation of our values. Southeast Asia. हम वैसे भी अपने आप को बहुत अलहदा समझते हैं. शाहरुख से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई. शाहरुख से नहीं मुलाकात? नहीं मुलाकात हुई, नहीं भी. लेकिन अब मैं एक कैंपेन खड़ी करती हूँ हसन के साथ, द टॉक टॉक. मैं मिलवाता हूं टॉक टॉक शो में. जरा मैं एक वायरल वीडियो करें ना. ये फोन है, ठहरे एक सेकंड. मैं फोन इस पर मिला.